हेलो एवरीवन, मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। देसवाल शिक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हरियाणा सरकार की नौकरियों में कौन सा कंप्यूटर डिप्लोमा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। ये जो लिस्ट है ये हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है, ये मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले है 1 ईयर डिप्लोमा फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क एंड 6 मंथ डिप्लोमा ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर इशूड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये नंबर एक पर जो डिप्लोमा है ये ITI द्वारा करवाया जाता है, यानी अगर आपने ITI से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है तो वो हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए पूरा वैलिड होगा। दूसरा, इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज 144 आवर्स ऑफ CDEC। अगर आपने CDEC द्वारा 144 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर से किया है तो ये वैलिड होगा। तीसरा है इसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ HKCL। दोस्तों, अगर आपने HKCL कंपनी से कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो ये आपका पूरा वैलिड होगा। अगला, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हार्ट्रॉन। दोस्तों, अगर आपने हार्ट्रॉन से कंप्यूटर डिप्लोमा अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वो भी फुल वैलिड होगा। नंबर 5 है ऑल इंजीनियरिंग डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आपने BTEC, BSc इंजीनियर, BSc मास्टर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी कोर्स किया है तो उस का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए मान्य रहेगा। हार्ट्रॉन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद हार्ट्रॉन स्किल सेंटर। अगर आपने हार्ट्रॉन स्किल सेंटर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिप्लोमा किया है तो वो भी सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा में वैलिड है। डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जिला चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से कई शहरों में हरियाणा में कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, ये पूरा वैलिड है। मैंने खुद अपना कंप्यूटर कोर्स यहीं से किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें है कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी भी हरियाणा के कई शहरों में कंप्यूटर कोर्सेज कराती है, वे हरियाणा में फुल वैलिड हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट अपूर्ड बाई MHRD। दोस्तों, MHRD के से रिलेटेड कोई भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो पूरा वैलिड रहेगा। डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA के तहत अगर आपने अपना कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स किया है वो भी पूरा वैलिड रहेगा। 11वें नंबर पे है अगर आपने NIELT जो IT मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है इसे अप्रूव्ड कंप्यूटर सेंटर में कोई डिप्लोमा किया है तो वह फुल वैलिड है हरियाणा की नौकरियों के लिए। डिप्लोमा फ्रॉम एनी विंग ऑफ इंडियन फोर्स। अगर आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के द्वारा करवाया जा रहा है कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो ये भी हरियाणा सरकारी नौकरियों में पूरा वैलिड होगा। 13वें नंबर पर इसमें है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम ET&T कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ET&T कॉरपोरेशन लिमिटेड संस्था से अगर आपने अपना कंप्यूटर कोर्स किया है तो ये फुल वैलिड है। नंबर 14 में इसमें है कंप्यूटर डिप्लोमा इशूड बाई ए कॉलेज एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर का कोर्स या डिप्लोमा किया तो वो भी वैलिड होगा। अगर आपने PGDCA कोर्स किया है किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से तो वो भी पूरा वैलिड है, या फिर आपने किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर में 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो वो भी हरियाणा सरकार की नौकरियों के लिए पूरा मान्य रहेगा। तो मैंने आपको ये 16 संस्थानों की लिस्ट मैंने आपको बताई है जो कि हरियाणा सरकार जिनको मान्यता देती है सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर कोर्स की। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।